अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने डालना तो मतलब ये व्लॉग पहले था 29th रोज़े का, जो आखिरी रोज़ा था, पर फिर अब ये ईद के साथ ही कंबाइन करके मैं डाल रही हूँ, क्योंकि अब हमारे पेपर्स भी आने वाले हैं। तो बीच में बस टाइम नहीं था कि मैं सारे व्लॉग लेते लेते एडिट करूँ। तो ये आखिरी रोज़े से लेकर फिर बीच में चांद रात भी है और ईद भी है, तो सारा कुछ है। तो ये रामीन ने खुद ही अपने हाथ में लगाई थी मेहंदी। ये चादरें मैंने मंगवाई हैं इस दफ़ा गोले की, इनके पापा से 4 सेट मंगवाए हैं। और ये मेरे घर में जानमाज तस्वीर की ताई गई हुई थी उम्र पे, तो उन्होंने भेजी है। बाकी ये चादर मैं बिछाऊंगी तो पता चलेगा। कुछ इफ्तारी हो रही है, पापा आए ना। तो ये मम्मा को लगाई थी रामीन ने मेहंदी, और उसके बाद हम लोग रात को चले गए थे। ये जो साथ में है जी मोती बाजार हमारा खुला हुआ है। पिछली दफ़ा तो इधर इतनी ज़्यादा रौनक थी और हमारी इतनी एक्सपेक्टेशंस हाई हुई थी कि पता नहीं क्या होएगा, और इस दफ़ा कुछ भी नहीं था। कोई 2-3 दुकानें थी जिसमें चूड़ियाँ थी, वो भी सन 1990 के डिज़ाइन पड़े हुए थे। मैंने तो सोचा था इस दफ़ा आजकल बड़ी वो चल रही है ना, कड़े वाली हैं, वाइट से पता नहीं क्या होते हैं यार, बीड्स वाले वो कड़े चल रहे हैं, तो उस तरह की कोई सेट बने हुए होंगे, लूंगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये जो है ईद वाले दिन मम्मा ने बेडशीट चेंज की थी, जो पापा लेके आए थे वो वाली बिछाई थी। लाइट सा और इतनी देखें इसकी इधर से लेंथ है माशाल्लाह से, नहीं तो वो जो इधर से थी ना उनकी पूरी सूरी दोनों साइडों पे इतनी इतनी है लंबी, किंग साइज के हैं। बस अच्छी रहती है ना, अब आप भी फिक्र है, बेड शीट आप ही हमेशा लाएंगे उधर से, टेंशन ना। आपने कौन सा सर पे उठानी है जो लानी मुश्किल है, गाड़ी वालों ने उठा के लानी है, हमें ड्रामे ना किया करें आप। अच्छा ये मैंने बनाया शीट कॉर्मा, और ये मैंने ज्यादा थिक नहीं किया इसलिए क्योंकि ये ठंडा होने के बाद ना खुद ब खुद ही थिक हो जाएगा। तो पुडिंग मैंने बनानी थी लेकिन नहीं बनाई, दूध बलाया नहीं, और रोज़े की कल काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रखी हुई थी जो बच गई थी तो वो खाई नहीं गई रोज़े में, तो आज फिर यही चलाएंगे। साथ में कुछ सालन और दोपहर रोटी बना लूँगी, और पुडिंग या कुछ और जो भी बनाना हो वो अब कल बनाऊँगी, यानी कि आज रात को बनाऊँगी तो कल बहन आ जाएगी, तो चलो फिर मिल के खा पी लेंगे। अच्छा शीर खुरमे ना, शीर खुरमे में खजूर भी डलती है जो कि मेरे पास थी कटी हुई, लेकिन वो मैं काट के भी रखी लेकिन मैं डालना भूल गई, लिहाजा आप लोग जब दूध को उबाल आए तो साथ ही खजूरें भी डाल दें, पतली पतली सी ना उसके स्लाइस बना के काट के डाल दें। आप क्या फरमा रही है, सुबह आपने आज पहने लॉन का सादा सा जोड़ा, तैयार होना है लेकिन कल होना है जब इसकी खाला आएगी। और अब ये क्या कर रही है, ये अली का दोस्त आया हुआ रामेस। हाँ तो उसके लिए मीठे, उसने इतना ना इतना नहीं खाना, कम डालो भाई, अब डाल भी तो दूंगा लेकिन उसने खाने ही नहीं है। तो यही तो मैं आपको कह रही हूँ, ये क्या लाया है वो, ये कोई लाया पता नहीं, देखो क्या लाया है अली के लिए, गिफ्ट लाया कोई परफ्यूम है, मैं 100 का कोई परफ्यूम लाया। चलो अली पैसे दे दे, दीदी तो देनी उसे कुछ ना कुछ, हाँ तो दे दे। चलो चलो ये दे, अली को बुलाओ वो ले जाएगा, ये ले जाओ भैया तेरे दोस्त के लिए डाल के रखा है सही। और ये मैं साथ बना रही हूँ कोफ्ते, मैं रुबाब से कह रही हूँ कितने बनाऊँ, रुबाब ये ज्यादा है क्योंकि मैं फ्राई करती हूँ। ये देखो इन दोनों की आपस में कुछ कुछ शुरू है दोनों की, देखें इसको खुद बुद्धि लग जाती है कि फोन खोल के देखा जाए क्या है क्या नहीं, देखें इसके काम। चलो तुम देखो, और मैं साथ में ये बना रही हूँ कोफ्ते, और साथ में ये फ्राई करूंगी, इसमें अंडे डालू या ना डालू क्या कहती है, छोड़ तो। मम्मा किस बंदे से पूछ रही है, मैंने तो मना ही करने आऊंगी, तू यही फजूल। इधर से ये निकला है जी, अब इसकी खुशबू भी देखो कैसी है, लड़कों वाली होगी ऑब्वियसली। अच्छा जाहिर है लड़कों वाली है, नहीं अच्छी अच्छी अच्छी। चलो जी, अली का दोस्त आया हुआ था, मैं जरा उससे पूछने गई ईद वगैरह मिलने गई, तो उसकी मामा का पूछा तो देखें एक मिनट में इन्होंने कुर्ता ने अपना कलर ऐसे चेंज किया, अभी शुक्र है मैं आ गई नहीं तो काम तमाम ही हो जाता,
साथ में बस ग्रेवी तैयार है। शुक्र है बच बच आ गए हैं। हाँ चलो देखो रामीन तो आज तैयार होगी। आज क्यों बीबी तैयार हुई? तो मैं सुबह कभी भी नहीं हुई, मैं इसलिए हुई क्योंकि मैंने दोस्त का पिक्चर्स दे दिया और उससे फूफा के घर जा रहे हैं तो शाम को लेट आएगी तो मुझे पिक्चर्स अंधेरी में अच्छी नहीं आएगी। अच्छा तेरी दोस्तें भी तैयार हो गई हैं? इसकी जो दोस्त है ना वो है स्ट्रीट की तो इसलिए ये तैयार हो गई है। फिल्म भी चाहिए होगा आपका है? हाँ जी इधर ही पिक्चर लेंगे। चलो देख लेते हैं। हाँ अच्छा हाँ अच्छा लग रहा है। ये मैंने बनाए कोफ्ते आज शोरबे वाले। कल मैं बनाऊंगी हांडी कबाब सालन। कल तो बहुत कुछ बनेगा क्योंकि आनी की दावत है। पुडिंग बनाऊंगी। आनी ने खुद हमें कहा है अफ्तारी पे आए या ईद के दूसरे दिन या हम तीसरे दिन जाएंगे। आनी कल आएंगी और हम तीसरे दिन जाएंगे। हाँ वो बेचारी कब से लगी हुई है लेकिन ये है कि बस मेरा होते ही नहीं। मैं कहती हूँ आप लोग छोटे हो तो तुम ही लोग आ जाओ लेकिन अब ये है कि बस फिर देखते हैं क्या करते हैं हम लोग। रामी ने इधर आओ तुम्हारी ईद की खर्ची मैंने बढ़ा दी है। महंगाई ज्यादा हो गई है। सही है। थैंक यू। हाँ पापा मुझे भी पकड़ा दे। मैं क्यों छोड़ूं पापा दे सराई दे। आप मम्मा का भी नंबर है। मम्मा को बैठे बैठे भैया तो मेरा कुछ इजाफा नहीं हुआ। हाँ देखो तो सही है। ठीक है। हाँ तुम वापस। मम्मा ईद मुबारक तो नहीं ऊपर लिखा हुआ? नहीं नहीं असल भाई मेहनत करके पापा ने जो है। हाँ ये आज ये बन रहा है फरमाइशी मीठा। हाँ ये मम्मा का जो है बहुत फेमस है। बचपन से हम लोग ये खा रहे हैं। बीच में मम्मा ने 2 साल बंद कर दिया था। क्यों बंद किया था पता नहीं। पता नहीं। ये जब तेरे मामू आते हैं मैं तभी बनाती हूँ क्योंकि वक्त वाला मुझे इसको सारी रात पकाना पड़ता है। इसको कितनी देर मैंने कल कितने बजे से 8-9 घंटे इसको मैंने भाप पे पकाया है। कस्टर्ड को ये वैसे मीठा है। अंडे 6 डाल के इसको पकाना होता है पुडिंग को तो फिर इसलिए टाइम लगता है तो मेरी जान जाती है। तो ये है कि अब रुबाब को भी है ये पसंद है तो मैं ये तो पूरी हमारी खानदान में जो है ये फेमस है पुडिंग वाला मीठा। हाँ और तेरे मामू खास करके आते हैं तो ये मैं बनाती हूँ। वैसे तो मैं किसी को बना के दे ही ना दूं। मैं कहती हूँ मुझसे मम्मा की बहुत ज्यादा मिन्नत की बना दे। नहीं मुझे था कि वो आएंगे तो मैं बनाऊंगी लेकिन वो मिस्त्रियों में लगे रहे तो फिर मुझसे हुआ नहीं। तो चलो अब फिर के लास्ट ईद पे मम्मा को कहा था कि आपने ईद पे बना रही हूँ। ईद पे नहीं बनाती मम्मा मामू के आने पे बनाती है। हाँ तो पिछली दफा मैंने बनाया था लेकिन मुझसे गिर गया था। चलो अब फरमाइश पूरी हो गई। पुडिंग तैयार हो गई और साथ में हमने क्या बनाया हांडी कबाब। इधर दिखाओ ये देखो हांडी कबाब भी तैयार हुए खड़े हल्की आंच पे रखे हैं। और ये पिज्जा की चिकन है और अभी बिरयानी का मसाला बना पड़ा है बस वो अब चावल बॉयल करूंगी। ये देखो ये सालन तैयार हुआ पड़ा है। और तेरी आनी का फोन किया वो कह रही है कि मैं PWD हूँ अभी पहुंची। देख बिरयानी और ये पिज्जा है। पिज्जा और मीठे दोनों अंदर फ्रिज में रखे हैं। ये मैंने बच्चों के लिए बनाए हैं। तो ये मामू ने मम्मा के लिए ईद भेजी हुई थी तो वो आनी गाँव की थी पहले दिन ईद के तो वो लेके आई हुई थी। अच्छा जी आ जाए बच्चे। अब हमारी बारी। वाह प्रमोशन होगी पार्टी की। हमारी प्रमोशन होगी फिर महंगाई होगी तो मैं तुम लोगों की प्रमोशन करूँ। अच्छा मैंने कहा सबकी दे दी है। थैंक यू सबकी चल मैं बना रही हूँ। आप थोड़ी कह रहे हैं भाई अली जा अब हम जाएगा। चलो भाई चलो भाई ये तुम्हारी तो तुम्हारी नहीं चलो मैं 500 काट लेती हूँ। ये बहुत बड़े हैं क्या क्या तो फिर मेरे बच्चों से छोटे हैं ना इनको थोड़ी कम करनी चाहिए। ओ नहीं भाई शेयर नहीं करना। और ये आपको जोड़ा भी मैंने दे दिया था। जो दिए बोले तेरी आनी कब से लगी हुई है कह रही है परसों आओ और मैं कह रही हूँ नहीं आना है आप लोगों ने इनवाइटेड हो तो ये कह रही है 9 साल हो गए मैं आ रही हूँ। हाँ मैं आ रही हूँ तो मैं कह रही हूँ तुम लोग छोटे हो लेकिन ये जिद पे और कह रही है मैं क्या मैन्यू मैं रखूँ यही जो हमने रखा है। नहीं आप रख रहे मैं रख रही हूँ ये तो डायनामाइट चिकन। ओ अच्छा सही है। साथ में रख रही हूँ मटन का आलू निहारी
साथ होगी निहारी। मीठे यार मैंने ईद पे दो बनाए हैं, मगर वो जो स्ट्रॉबेरी डिलाइट है वो ऐसी पड़ा, किसी ने खाया नहीं। मैं सोची वो रख पड़ा मैं बाउल इसी तरह। अच्छा ठीक है, मैं ये कह रही हूँ घर में किसी ने खाया नहीं है, यहाँ पे तो दो सेकंड में खत्म हो जाता है। रस मलाई वाला भी था ना। अच्छा हमारे घर बनता भी। हाँ सही है, वो मीठा तो है। है बस ही खिलाना हमें। हाँ नहीं सारे घंटे का नहीं खाते ये चक्कर में। मीठा कह रही हूँ मीठा। हाँ तो मीठा हो जाएंगे। चलो मैं मीठा भी बना दूँ। वैसे मीठा खाया नहीं है, जाएगा ना खाना तो है ना अपने। अच्छा फिर और आगे और मुझे समझ नहीं आ रहा। राइस में मैं सोच रही हूँ चाइनीज चावल साथ मंचूरियन बनाऊ या स्पेगेटी कर लूँ, राइस चाउमिन कर लूँ, इस चीज में कुछ सजेशन दे दूँ। नहीं तो डायनामाइट चिकन के साथ चावल ही है ना। डायनामाइट चिकन सिर्फ सॉस के साथ आप एपेटाइजर खा रहे हो। तो फिर यानी चावल ही रखे। चावल रखू तो चाइनीज रखू तो बिरयानी तो आज हो गया। आप चाइनीज रखू या पुलाव रखू। तो ये था जी हमारे ईद के दूसरे दिन का मेन्यू, और बिरयानी थी, पुडिंग थी, सेवैयाँ दोबारा से मम्मा ने बनाई थी, पिज़्ज़ा था और साथ में हांडी कबाब थे। और बाकी जो है पुडिंग के साथ ये सीन हुआ है, मैं तो कह रही हूँ कि पुडिंग जो है ना कर्श हो गई है कि भाई इसका पिछले साल ये गिर गई थी मम्मा से, और इस साल मम्मा ने जो क्रीम लगाई है वो क्रीम कड़वी निकल आई थी। तो फिर मम्मा ने ना जो वो थे क्रीम के डिब्बे, अंकल ने कहा वो एक्सपायर होंगे, तो वो अभी हमने कचरे में नहीं फेंके थे, वैसे ही पड़े हुए थे। तो मैंने जाके देखी सारे डिब्बों पर एक्सपायर नहीं हुए हुए थे, नॉर्मल डिब्बे थे, नए लेके आए थे हम, फिर भी वो क्रीम कड़वी निकल आई। तो मैंने कहा ये अब आपकी ना पुडिंग के साथ कुछ हो गया कि इसने हर दफ़ा कुछ ना कुछ इसके साथ हो जाएगा जब भी आप बनाएंगी। और मैं मम्मा को कह रही थी कि लगता है पुडिंग कहती है कि जब तक खान मामू या जहीर मामू से कोई नहीं होगा तो मैंने सही नहीं बनना, क्योंकि ये पहले सिर्फ तब बनती थी जब मामू लोग आते थे, जब से हमने उनके बगैर बनाना शुरू किया ठीक नहीं बन रही भाई। क्या देखा आज तुम्हारे लॉन में बटरफ्लाई भी है टूर। अच्छा जी तो मैं तो दिखाने आई थी घोंसला। तो ये हमारा एक ना यहाँ पे बिल्कुल हल्की सी डेनी पे छोटा सा घोंसला बनाया, 2 इंच की वो जो है ना चिड़ी टाइप है कोई। अभी तो घंटे से इधर ही फिर रही थी, मैंने कहा अब जाके दिखाती हूँ तो वो गायब है। कहाँ है हमने लेकिन वो बनाया। और अच्छा हमने ना ये मम्मा ने वैसे लगाया था घोंसला कि यहाँ पे आके कोई रहेगा, यहाँ पे तो किसी ने रहा नहीं कोई, किसी ने खुद ही बना लिया 2 इंच की चिड़ी ने। और वैसे इतने वो आए हैं क्या कहते हैं आंधी टाइप और बारिश वगैरह, मैं मम्मा कह रही थी कि ये तो गिर जाएगा ना, पर ये अभी तक बचा हुआ है। अच्छा ये अपना क्यों मंगवाया रुपा बता जरा। दिल कर रहा था आप भी, हालांकि सारा खाना बचा हुआ पड़ा है, ईद का दूसरा दिन है। और भाई मैंने बस मैंने दूसरा दिन मैंने कहा था कि मैं अपना मंगवा रही हूँ, किसी ने अपना मंगवाना है तो बता दो। तो मम्मा का दिल ललचा गया, आपका खुद ही के सब खा लेते हैं आपको खाए। मैं क्यों चलते पापा आये हुए तो अब तूने एक उज्जत निकाली है तो फिर बाकी क्यों पीछे रहे। हाँ तो फिर यही तो बात है, खुद ही अपने दिल को काबू रखो। नहीं सबके मिस्कीन मुंह हो गए थे, ये मंगवा रहे हैं तो फिर बाकी पीछे रहे। तो मैं कहा फिर सब भी खाओ, एक बंदा तो ना कहना बाकी अली रामी मुंह देखे तेरा। अच्छा तू अपनी दी ये सब तो अब तू खुद मंगवाती अकेले तो फिर तेरा था, अब मैंने मंगवा के दिया तो अब मैंने सब ये पैसे देने हैं ना। तो हम लोग मम्मा को कहते थे कि भाई आप लोगों की कोई जवानी की पिक्चर्स हमारे पास नहीं है, आप लोग पता नहीं क्या करते रहते हैं सब कुछ घुमा देते हैं। तो फिर पापा वहां से पूरा जो है ना एल्बम्स का दत्था उठा के लाए हैं कि भाई देखो तुम लोग। और फिर पापा की तो सारे ज़माने की भी पापा ने रखी हुई थी, अपने कॉलेज से लेके यूनिवर्सिटी तक, फिर शादी के बाद की सारी थी। और मम्मा की सिर्फ वही है जो पापा से मम्मा की शादी हुई उसके बाद पापा ने मम्मा की कोई खिंचवा ली, और बस उससे पहले की मम्मा जान के पास नहीं है अपनी। तो ईद के चौथे दिन, ईद वैसे 3 दिन की होती है पर वैसे टाइम लाइन के लिए चौथे दिन जो है हम लोग गए थे आनी के घर। और हम लोग ऐसी गाड़ी में बैठ के फिर हमें ख्याल आया कि भाई हमने वो लेनी थी एल्बम लेनी थी आनी को दिखाने के लिए, क्योंकि उनकी भी थी कुछ पिक्चर्स हमारे पास। और बाकी अली ने अपना एक्सबॉक्स रखना था कि आनी की ना शादी की मूवी जाके देखेंगे, तो जी एक्सबॉक्स इसका चला ही नहीं वहाँ जाके। और पापा काफ़ी अर्से बाद आए थे तो वो देख रहे थे कमरे की सेटिंग, और उसके बाद अंकल जो है पता नहीं एक बंदे को क्या बनाते हुए गोश का कुछ देख रहे थे, तो हमने कहा कि ये तो चेंज करो। उसके बाद ये था जी मेरा इस दिन का आउटफिट, और जो मेन ईद का था वो मैंने दिखाया नहीं है, और फिर इसी वजह से मेरे दिमाग में था कि आज वाला तो मैंने दिखा। तो आनी के घर का मेन्यू था दावत का मंचूरियन था, निहारी थी और कीमा आलू थे और डायनामाइट चिकन थी।
तो आनी ने काफ़ी अच्छी अरेंजमेंट की हुई थी और खाना भी बहुत मज़े का था, और पापा के हिसाब से लाइट चीज़ें बनाई हुई थी, मसाले लाइट थे, तो पापा को भी ना काफ़ी पसंद आया था। तो बस आज का व्लॉग इतना ही था, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।